सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के वायरल वीडियो से लेकर रिया चक्रवर्ती का सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के बारे में शॉकिंग स्टेटमेंट। जानिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की हर एक अपडेट। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 2 महीने हो चुके हैं और उनके फैंस और परिवार वाले उनकी मौत का कारण जानने के लिए बेबस बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए अनुरोध कर रही थी। इसके बाद बहुत सारे लोग सामने आकर सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे, हीना खान, डेजी शाह, सूरज पंचोली, कीर्ति सेनन, अनुपम खेर, कंगना रनौत और परिणीति चोपड़ा जैसे कई सितारों ने सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की है। इन्हीं सबके बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और उनके पति सिद्धांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इंडिया टुडे के अनुसार दोनों को कुछ पैसे ट्रांसफर पर रजत मेवाती से सवाल करते हुए देखा गया था जो सुशांत के एक्स स्टाफ मेंबर को किया गया था। इसके बाद सुशांत के घर और बैंक के काम को संभालने के लिए कथित तौर पर रजत मेवाती जिम्मेदार थे। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि सैमुअल मिरांडा, जिसका नाम पटना में सुशांत के पिता द्वारा रिया और अन्य के साथ दर्ज की गई एफआईआर में लिया गया है, उन्हें प्रियंका ने ही नौकरी पर रखा था। हालांकि कथित तौर पर सुशांत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वो रिया चक्रवर्ती द्वारा काम पर रखी गई हैं। कल ईडी कार्यालय में रजत मेवाती से पूछताछ की गई है। इसके अलावा सुशांत की टैलेंट मैनेजर जयंती शाह से भी ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की। कथित तौर पर उनसे पिछले 2 वर्षों के लिए दिवंगत अभिनेता की फिल्म प्लान्स के बारे में पूछा गया था, साथ ही उनसे जुड़ी कई अन्य चीजें भी। ईडी ने जयंती से सुशांत की बीमारी, व्यवहार और फिल्मों से मिलने वाले पैसों के बारे में भी बात की है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार सुशांत के पूर्व कर्मचारी अखिलेश ने घर में काले जादू और प्रार्थना की रिपोर्टों को संबोधित किया है और खुलासा किया है कि जब वो सुशांत के साथ काम कर रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की तबीयत ठीक थी। फाइनेंस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिया ही सभी फैसले लेती थी। इससे पहले सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने भी ईडी से पूछताछ के दौरान कहा था कि रिया ही सभी फाइनेंस फैसले लेती है। इंडिया टुडे की एक खबर के अनुसार रिया ने ईडी को बताया कि कैसे सुशांत मलाड के एक फ्लैट के ईएमआई भरते थे जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का है। इसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत द्वारा लगभग 4.5 करोड़ का भुगतान किया गया था। अब ये पता चला है कि अंकिता लोखंडे को ईडी ऑफिस में बुलाकर इस मामले में पूछताछ की जाएगी। दावों को संबोधित करते हुए अंकिता ने जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक अपने बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स शेयर की हैं। दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा ने सुशांत सिंह राजपूत को सिनेमा और समुदाय में अपने योगदान के लिए मान्यता दी है। अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति को मान्यता का प्रमाण पत्र भी मिला है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या एक आत्महत्या थी या फिर मौत, इसकी सारी अपडेट देखने के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।